बरनाला के सेखा रोड गली नंबर 5 में 30 वर्षीय एक विवाहिता कंचन गर्ग की संदिग्ध हालातों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक महिला के परिवार वालों ने लड़के के पारिवारिक सदस्यों पर हत्या के दोष लगाए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए मृतका के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि 6 साल पहले कंचन गर्ग की शादी बरनाला में हुई थी और आज उसकी अचानक भेद भरे हालातों में मौत हो गई। जैसे ही उन्हें उनकी लाडली बेटी की मौत का पता चला तो वे फौरन बरनाला पहुंचे। वहीं अस्पताल में लड़के वालों के परिवार वालों पर गंभीर दोष लगाते हुए मृतका की मां ने कहा कि वे आए दिन उनकी लड़की को मारते पीटते थे। आए दिन उनकी बेटी उन्हें फोन कर बताती थी और आज उन्होंने उनकी बेटी को मार दिया है। उनके पड़ोस में से फोन पर जानकारी प्राप्त होने के बाद वे बरनाला पहुंचे हैं। लड़की के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले की जांच कर रही बरनाला पुलिस प्रशासन ने बताया कि बरनाला के रिहायशी इलाके सेखा रोड गली नंबर 5 में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बरनाला के सरकारी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया है और मृतका के परिवार वालों के बयानों के आधार पर जांच के दौरान मुकदमा दर्ज करके अगली कार्रवाई की जाएगी। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। 6 साल तो इस बंदे ने भैन नू मेरी नू दुखी किता होया है। कुटमार भी किन्नी बार हुई है। मुंह दे उत्ते कदे कुरलियां करनियां ओ सिंपल है। कहिंदा सी इस ते जवाब दी जम्मन ली लियांदी है जी। साडे घर दे विच नूहां नू पैर दी जुत्ती समझा जांदा है। बथेरी बार कहा सानू इत्थे किसे दा फोन नहीं आया। अज सवेर दा 12 बजे सानू कित बहरों की फोन आया। इन्होंने गुआढ़िया का वह भी किसी रिश्ते किसी का फोन नहीं आया। सानू किसी का फोन नहीं आया। इन्हें यह कहें 12 बजे कहें असी जो मैं फोन किया कहते घरे लिया जी पानी पी रही है। जे क्यों पानी पी रही थी फिर एकदम फिर एकदम फिर डेड कि हो गई जी। हस्पताल लैके जाया गया उतो उन्होंने कहता घरे लै जाओ। फिर सानू दसिया कहा तो नहीं जा रहा। उत्थे बेंगलोर तो उहदे मम्मा आ रहे ने उहदे फ्लाइट 10:30 बजे इत्थे पहुंच जाणगे। सानू इत्थे लोकल घंटे का रस्ता सानू फोन नहीं होया। भैया अस तां 6 साल दे दुखी हां। मेरी कुड़ी नू रोज कुटदा मारदा सी। 15-20 दिन बाद उसने मैं कुड़ी नू प्यार नाल समझाया सी पुत चल कोई ना तू की कहने हौली हौली रच जूगा हौली हौली हो जूगा। पर यह बंदा समझिया नहीं। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕੈਂਸਰ ਲੇਡੀ ਸਚਾਰੂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਜਗਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੀ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਗਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ।